अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मतलब कि स्टीम का तरीका। मेरा 4 किलो दही है और साकर तुम क्या कर रहे हो? ये इस कपड़े में क्यों किया आपने सुलेमान भाई? दही जड़ा देना इको जैसा हो जाना सारा। ठीक है, ये बैलेंस किया आपने इसे? अच्छा जी, 1/2 किलो इमली, 1/2 किलो आलू बहारा, ए मैं पे ऐसे 2 घंटे पहला। ये थोड़े सारे पानी च पैना, ज्यादा पानी च नहीं, जिन्ना है गाढ़ा होवे तो उन्ना मुर्गे ते ज्यादा चढ़ के आवे। अच्छा जी, गरम मसाला पीसे आ, ए तुसी ला सकदे हो 4 किलो वे दही, इनू अद पा। हल्दी जड़ी जे ये भी अद पा। मर्च पीसी भी तुम अद पा ला सकते हो। नमक दे नहीं, ये आप मैरिनेट करेंगे आप उसे? हाँ जी। अच्छा, पहले आपने जो भाईजान उसे फ्राई किया वो भी बता। वो भी मैं बहुत दसना जिसने मुर्गा पान लगा देना सारा। जी ठीक है, सही। जी सुलेमान भाई। अच्छा जी, इतना सारा तुम एक चम्मच सारा रम जरदा भी ला सकते हो एदा कलर कटने वास्ते, ते एक 1.5 कप नींबू, 1.5 कप नींबू का पानी, और नींबू का पानी जो है ना सुलेमान भाई ने बताए कि फ्रेश निकाल के लगाना है। ये फ्रेश भी निकाल के लाना है, ते उस तो बाद पानी इतना ज्यादा नहीं पाना है नींबू का। जिसले पानी तुसी कट के पहले उन नींबू न फिर उसका पानी थोड़ा सा एक गिलास सादा पानी लेना। और ये बताएं आप कितने किलो का बना रहे हैं? और ये उसके 4 किलो दही का वे? नहीं नहीं, 10 किलो मुर्गे ने बना। 10 किलो मुर्गा, ठीक है। तो ये उसका मैरिनेट का जो है ना तरीका भाई जान बता रहे हैं। अच्छा जी, यह स्टीम का तरीका वेख लो तुसी। इटा का जो है ऐसा तरीका पहले बनना है, थले 3 टिंडा पानी दियाँ, 15 किलो पानी, बाकी धनिया जोड़ा 50 ग्राम, 100 ग्राम सौंफ, ते बाद ना 50 ग्राम। ये हर साइड पे एक बना हुआ है उधर, ठीक हो गया, आ रही है समझ। हाँ हाँ, मैं दिखा रही हूँ। अच्छा जी, ये उन चीज़ों के लिए भाईजान एक जाल बना रहे हैं जब कोई बड़ा ऑर्डर होता है। अदरवाइज़ हम बीबियाँ जो घर में हमारे पास स्टीम का होता है अरेंज, स्टीम प्रेशर्स होते हैं, तो लाइक हम उनमें करती हैं ये। लेकिन ये ज़्यादा है तो उसके लिए ये जुगाड़ लगा रहे हैं भाईजान, और बड़ा हीट सा जुगाड़। जिनको समझ आएगी उन्हें पता चल जाएगा इसका। ऐसे ही सुलेमान भाई बड़े ऑर्डर में। शबाजियाँ
हाँ जी स्टार्ट। वालेकुम सलाम, क्या हाल है चाचू? अच्छा ये जाल है, ये भाईजान ने तैयार कर दी है स्टीम रोस्ट के लिए। ये देखें जरा, और चाचू ठीक बैठो ना, बैठो। साकब ये देखो इधर आके, ये देखे जी, ये भाई जो है मैरिनेट कर रहे हैं। और मैरिनेट से पहले जो इन्होंने किया था वो भाईजान आपको बता देते हैं। अच्छा जी, इस तो पहला जड़ा मैंने पकाने तो पहला मुर्गा फ्राई की थी, 10 किलो नमक चंगा चुपता ला के थे, सिरका ला के, सिरका नमक लगा के उसे धो के, हाँ जी चंगी तरह धो के नमक सिरका ला के उन्हें फिर फ्राई किया, फिर फ्राई करके फिर ऐसे मसाला खरोता रहा। बाकी सारी रेसिपी इनके सामने ही है, ऐसे ही है ठीक है। ये देखिए जरा, सर पे रख लो अली, सर पे रख लो। क्या बात है, ये कितना क्यूट लग रहा है। ये मैंने खाना है शाकब मामा मामा करके। अच्छा अच्छा जी, ये तो हो गया मजाक, ये हमारी न्याज होती है और ये मैंने हमेशा आपको बताया, ये उन बच्चों के लिए होती है। देखिए जी, ये देखिए कितने बासर लोग होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए किसी के पास कुछ नहीं होता। सो बिलीव मी, बनना बाद में शुरू होता है, बच्चे पहले मेरे पास इकट्ठे होते हैं और मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है इस चीज़ को। YouTube पे तो मैं थी, लेकिन मैंने कहा चलें ये चीज़ भी एक। है तो चले, हमने सब YouTube फैमिली से शेयर करते हैं तो कुछ टाइम से फिर। अच्छा मैं ये भी, अच्छा ये मेरे भाईजान आ गए, इनके बात सुने सर। अच्छा जी, रेसिपी के हवाले जी, एक घंटा 60 मिनट पूरे, 2-3 मिनट नीचे ऊपर कोई नहीं कर रहे। नहीं मैं मजाक कर रही थी। चले 60 मिनट्स का ये जो है वो दम है, यही सेम चीज़ करके हम घर में भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो स्टीम जो है वो प्रेशर्स में कर लेते हैं, लाइक केजी 2 केजी, तो ये तो खैर ज़्यादा है। अच्छा ये चेक करने के बाद जहाँ कमी पेशी हो रही है ना सुलेमान भाई को, ये उधर वो पूरा कर रहे हैं ठीक है। चलें जी, 1 घंटे का ये दम है ठीक है सुलेमान भाई। वजन रखना ताकि उसका स्टीम का जो है वो बाहर नहीं निकले कुछ भी भाप वगैरह ठीक है। अच्छा जी, 1 घंटे का दम सी, इस वक्त हूं मुर्गा 1 घंटे तक गल गए।
अब इसे निकाल के हमने थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रखना है। नहीं तुसी पंखे जे कोई नहीं, ऐसे भी तुसी खा सकते हो, थोड़ी वो अपनी चॉइस पे है, हवा लग जाए तो बेस्ट है, नहीं तो हम ऐसे भी खा सकते। ये डन है अब, ठीक है, चलें ठीक है।